जिंजर में हमने चिकन डाली थी वो चिकन तकरीबन अब कुक हो चुकी है। इधर हमने कढ़ाई में देखे पानी रखा है तो उस वो बॉयल होने के करीब आ गया, तो उसके अंदर अब हम नूडल्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये नूडल्स को अब हम पहले बॉयल करते हैं। आपने देखा मैंने चिकन के अंदर भी कोई फ्लेवर्स नहीं डाले, सिर्फ गार्लिक जिंजर डाला। ये अब मैं इसके इंग्रेडिएंट जो है ना वो मिक्स करने लगी हूँ। ये देखे 2 स्पून शुगर और 1 स्पून सॉल्ट, तो ये है सोया सॉस डाल दी हमने इसमें, और ये है ऑयस्टर सॉस भी हमने 1 स्पून 2 स्पून ऑयस्टर सॉस डाल दी। ठीक है, अब ये जो है ना फ्लेवर्स इनको सबको हमने मिक्स कर लेंगे। इधर देखिए हमारे पास ये है स्प्रिंग ऑनियन, कैरेट्स, ये कैरेट्स और कैप्सिकम और कैबेज अभी मैं रेडी करती हूँ। नूडल्स बॉयल हो चुके हैं तो नूडल्स को मैं निकालती हूँ। इधर हमने देखे कढ़ाई के अंदर कैबेज डाली है, चिकन हमने निकाल लिया इसके अंदर से, तो ना इनको अब हमने स्टर फ्राई करना है। कैबेज और ये कैप्सिकम चलेगा, स्प्रिंग ऑनियन फिर बाद में डालती हूँ और कैरेट भी। ये इसके अंदर मैंने अभी ऑयल नहीं ऐड किया, ऑलरेडी पहले ही जो था ना थोड़ा ऑयल वो ही। इसको बस हमने स्टफ फ्राई करना है, आपको पता ज़्यादा नहीं हमने इसको फ्राई करना, कैबेज को साथ साथ हमने इसमें कैरेट्स ऐड कर दिए। ये देखे क्या बात है, माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा ये स्टफ फ्राई देखे हो रहा है। इधर ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है, हमने जो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट इसके किए थे ना मिक्स, ये इसमें चलेगा। ठीक, ये है असल जो होती है ना चौमिन चला गया वो ही पका हुआ चिकन। ये सारे फ्लेवर अब इस चिकन में आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर जा रहे हैं ये नूडल्स जो हमने बॉइल किए। ये स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन ये हमारे
اپنے ہوم گارڈننگ کے ہے پرنگل، اسی لیے اتنے اتنے فریش اور پیارے پیارے دکھتے ہیں، دیکھا آپ نے۔ ابھی چلے گئے فریش ٹماٹر، ابھی یہ سب سٹف فرائی اس کے اندر چلے گئے۔ یہ ہے دی چائنیز چومین نوڈلز، دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کتنے مزے کے ہمارے یہ چائنیز جو میں نوڈلز بنا دیکھے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن بھی ہم نے اس میں کافی ڈالی تھی، اور دیکھیں ہماری یہ نوڈلز ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نوڈلز کھانے کے لیے تو نہ چکن کو تو ہم نے بالکل اچھی طرح سے کک کر لیا تھا، نوڈلز کو بھی تو نہ، بس سٹر فرائی کیا ویجیٹیبل اور یہ ہمارے نوڈلز ریڈی۔ دیکھیں اور بالکل پرفیکٹ کرنچی ویجیٹیبل ہے اس کے اندر، اور کیرٹس کو بھی ہم نے نوڈلز کی لک میں کیا، کبھی وہ کیرٹس کے بھی جیسے نوڈلز ہی سمجھے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے کے ہمارے یہ بنے۔